बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जो आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक और पाकिस्तानी मईशत के मुतालिक। दोस्तों पिछली 2-3 वीडियोस में मैं आपको ऐसी कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का इंकशाफ किया है जिससे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अगले आने वाले 6 महीने से साल जो है वो बहुत ज़्यादा तरीकी में नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह है कि काफ़ी सारे मामलात ऐसे हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बात यह है कि काम ये स्टॉक मार्केट का ऐसा है जो कि खुली आँखों से और खुले दिमाग से आप करेंगे तो फिर पता चलेगा, इसकी तमाम हकीकतों को मद्देनज़र रख के चलना होता है। इसमें फैंटसीज बना के नहीं चलना होता कि 2 रुपए का शेयर है ये हमारा साल बाद 10 रुपए का हो जाएगा, ये 100 रुपए का हो जाएगा। उसकी हकीकत देखनी होती है कि कौन सा स्टॉक हम ले रहे हैं और इसकी असल वैल्यू क्या है और ये जो है ये कैसे मूव कर सकता है, ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, इसमें इतनी एबिलिटी है कि नहीं है, इसका जो EPS है, इसकी अर्निंग शेयर है, इसका जो फेस वैल्यू है और इसके जो असर्ट्स हैं, इसकी प्रोग्रेस है, इसकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है कि ये आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। तो मैंने ये सारी चीज़ों से पर्दा उठाया और आपको सारी हकीकतें सामने रखी। और दोस्तों अब एक और हकीकत आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो एक बड़ी पॉजिटिव है, मार्केट के लिहाज से भी और पाकिस्तान के लिहाज से भी बहुत पॉजिटिव। इसको आप 10 दफ़ा पॉजिटिव लिख लें उस वो भी कम है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो दोस्तों ये है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के हाथ में बहुत बड़ा ख़जाना आने वाला है। ये मैं आपको कोई फैंटेसी नहीं बता रहा, कोई कहानी नहीं बताऊँगा, ये एक असल हकीकत जो पाकिस्तान के साथ चल रही है वो बता रहा हूँ, जो कि शायद आप लोगों को अभी ना मालूम हो। तो दोस्तों वो ये है कि पाकिस्तान का एक बाहर की कंपनी जो है इथियान, उसके साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो गया है रेकॉर्डिकॉन का, और वो एग्रीमेंट जो है मिच्योर हो जाएगा, अभी प्री मिच्योर हो जाएगा फरवरी में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, वो ऑलरेडी इसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, ये खबर सुना चुके हैं, और जो इसका बकायदा तौर पे एग्रीमेंट की सेरेमनी है वो फरवरी की कोई डेट आनी है तो वो उसमें हो जाना। इस चीज़ का मैं थोड़ी सी आपको पहले तफसील बता दूं कि क्या है और किस तरह से है। अब देखें, रेकॉर्डिक जो है, रेकॉर्डिक एक बहुत बड़ी कान है जो बलूचिस्तान में है। इसमें हज़ारों टन सोना, चांदी, कॉपर, आयरन, सिल्वर ये छुपा हुआ है। किस में है? खाम माल की सूरत में। तो क्या है, उसको निकालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, कोई ज़राए नहीं है जो जिससे हम निकाल सकें। तो इसका सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, इसको जो है आज से कोई तकरीबन 20-25 साल पहले एक कंपनी को ठेका दिया गया, ठीक है जी। उस कंपनी को जिसको ठेका दिया गया, उसने रेकॉर्डिक कान में से सामान निकालना था, ठीक है, उसने ये खाम माल निकालना था। पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा थोड़ी वजाहत कर दूं कि ये किस जगह पे करके असल में वाक़ है। ये बलूचिस्तान के इलाके में वाक़ है, ये ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर एक रखुंडी एरिया है, उससे 70 किलोमीटर आप पाकिस्तान की तरफ आएँ तो सैंडिक भी एक कान आती है और एक रेकॉर्डिक है। सैंडिक जो है वो छोटी सी है और जो रेकॉर्डिक है वो बहुत बड़ी कान है, जिसको दुनिया का 5वां बड़ा ज़खीरा समझा जाता है। क्या? दुनिया का 5वां बड़ा ज़खीरा, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों इसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल बातें बताने जा रहा हूँ, इसको आपने पूरी वीडियो को गौर से देखना है, तवज्जो से देखना है, और आपको काफ़ी बातें मिलेंगी इसमें और आप समझेंगे कि ये पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे जाने वाली है। इसका सबसे पहले मैं आपको एक छोटी कान का बता दूँ जो कि सैंडिक है। सैंडिक में 2016 में 12 किलोग्राम गोल्ड, उसके अलावा कॉपर टनों के हिसाब से, उसके बाद जो है आयरन भी टनों के हिसाब से, इस तरह करके जो है इसमें से जखाए निकले 12 किलोग्राम। मैं 12 ग्राम नहीं बता रहा आपका, 12 किलोग्राम, बहुत बहुत बड़ी यानी कि जखीरा होता है ये भी। और 2019 में तकरीबन 14 किलोग्राम गोल्ड और अदर मेटल जो हैं वो इसमें से निकले। ये एक छोटी कान है, जो समझ लें कि रेकॉर्डिक का एक बच्चा कान है। ये
रिकॉर्डिंग जो है बहुत बड़ी कान है, उससे हम ये उख़ कर सकते हैं कि दुनिया का पांचवा यानी कि जो कंसिडर किया, जो कि माना गया हुआ है कि ये दुनिया का पांचवा बड़ा ज़खीरा है खाम माल का, जो कि जिसमें गोल्ड कॉपर वगैरह ये इस तरह के स्टॉक्स इस तरह के जो हैं वो शामिल हैं चीज़ें। तो दोस्तों मैं अब इसके गिर्द थोड़ा सा आता हूँ, इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ जो कि बड़ी ज़रूरी है। वो हिस्ट्री ये है कि कोई 15-20 साल पहले पाकिस्तान, इसका एग्जैक्ट फिगर जो है आपको हिस्ट्री से मिल जाएगा, कि एक पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट थी उसने एक बाहर की कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया कि आपने ये सारा खाम माल निकालना है इसमें से और इसका 25% हमें दे दें, 75% आप ले लें। अब इसमें काफ़ी बातें अंदरूनी लेवल पे छुपी हुई हैं कि उस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है कि आप देखें कि उसने किस हिसाब से एग्रीमेंट किया कि ख़जाना सारा जो ये है गोल्ड वगैरह और ये जितना खाम माल है वो पाकिस्तान का, और 25% खुद ले रहा है, 75% उसको दे रहा है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक ये वाली बात है। तो बहरहाल ये एग्रीमेंट हो गया कंपनी के साथ, ये चलता रहा। उस कंपनी की थोड़ी एबिलिटी कम थी, उसने एक और कंपनी को शामिल किया, फिर एक और को किया, ऐसे करते करते उसने 6-7 कंपनियों को अपने अंदर शामिल कर लिया, लेकिन वो मामला फिर भी आगे ना बढ़ सका। ये काम चलते चलते ये वाला जो हमारा मामला है वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको थोड़ा कंसिडर किया, उसके बाद डिसमिस कर दिया, इस केस को खारिज कर दिया, निकाल दिया। तो जो कंपनियां थी जिसको जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, वो कंपनी जो है वो इसको आउट ऑफ कंट्री यानी कि जो बाहर की आलमी अदालतें हैं उसमें इस केस को ले गई। तो दोस्तों उन अदालतों में जाने के बाद ये केस चला, और चलने के बाद पाकिस्तान इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था उस मामले में, इन्होंने बिल्कुल नॉन सीरियस तरीके से वो केस को फाइट किया और केस को हार गया। इसके बदले में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पाकिस्तान पे हर्जाना कर दिया गया $10 अरब का। दोस्तों कितनी रकम? $10 अरब, बहुत बड़ी खतीर रकम है। आप देखें कि $1 अरब के लिए इनसे IMF से लेने के लिए इस वक्त पाकिस्तान उनकी तरले मिनतें कर रहा है, उनके पांव पकड़ रहा है, उनकी कड़ी से कड़ी शरायत को मान रहा है कि किसी तरीके से हमें पहली किस्त मिल जाए IMF से $1 अरब की, और वो हर्जाना हो गया जी $10 अरब का। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और दोस्तों ये देखें आप कि वो पाकिस्तान नहीं दे सकता था। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने कुछ मामलात ऐसे किए, रतो बदल की अपने आयन में, अपने तरीक़ेकार में, ये वो करने के बाद ये मामला चलता गया। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये केस जो है चलता गया, और पाकिस्तान चूंकि पैसा नहीं था इसके पास, इसने नहीं दिया, तो जो कंपनी ने है वो उन अदालतों के साथ मिलके पाकिस्तान की जो मुल्क के बाहर जायदादें थीं यानी कि इनके होटल्स वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज़, और जो कि मैं आपको चंद एक बता देता हूँ, जो न्यूयॉर्क में रॉसवेल होटल है बहुत बड़ा, जिसकी मालियत बहुत बड़ी है, $1 अरब से भी ऊपर है, वो हो गया। फ्रांस में, बरतानिया में, जर्मनी में जो प्रॉपर्टी थी उनको अपने कब्ज़े में कर लिया गिरवी के तौर पे। तो दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा शर्मनाक कदम था कि एक रियासत की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई कंपनी जो है वो हथिया ले। तो दोस्तों फिर ऐसा हुआ, ये चलता गया 2013 में इस केस को दोबारा से रीप्रोसेस किया गया, फिर दोबारा चलाया गया। तो वो ये हुआ कि वो केस चलता गया और एक स्टेज पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ दोस्तों। उसके बाद ये हुआ कि जो हमारे मिलिट्री और सिविल की आदत थी, इन्होंने सही तरीके से बैठे और बैठ के इस केस को सही तरह से फाइट करने की ठान ली, जिसमें हमारे जनाब कमर जवेद बाजवा साहब जो आर्मी चीफ हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने भी और जो मौजूदा हुकूमत है जो उस वक्त नून लीग की थी, उसके बाद ये इमरान खान आ गए, इन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया। तो दोस्तों उसका हुआ ये कि वो जो है वो फैसला आ गया कि पाकिस्तान को जो इस वाली हुकूमत में 2018 में, ठीक है ना, 2018-19 में ये फैसला आ गया कि जी जो उनकी पार्टी और हमारी पार्टी के दरमियान अदालतों ने ये फैसला कर दिया कि जी ये केस को इस तरह से किया जाए कि
दोबारा से आपका एग्रीमेंट बहाल कर देते हैं, और उसमें क्या होगा कि ये जो है कंपनी को 50% ये लेगी, क्योंकि इसने सारी लागत लगानी है, वहाँ पे मशीनरी यूज़ करनी है, सारे मामलात करने हैं, और सारा खर्चा करके मुकम्मल मामलात करके इसको बेच के सेल करके जितना पैसा आता है उसका 50% कंपनी लेगी, 50% पाकिस्तान लेगा, और 50% पाकिस्तान का जो है उसके दो हिस्से होंगे, 25% वो बलूचिस्तान के पास जाएगा और 25% वफाक के पास आएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। तो दोस्तों यानी कि 50% आ गया। आप ये देखें कि उस वक्त हुकूमत ने जो एग्रीमेंट किया था वो 25% अपने पास था और 75% कंपनी के पास। तो इस हुकूमत ने, ये क्रेडिट जाता है, ये मानने वाली बात है कि इस हुकूमत ने, और खसूस बिलखसूस स्पेशली मैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, आर्मी है, जिनके आर्मी के चीफ जो है वो अपना बाजवा साहब जो हैं, जनाब बाजवा साहब, उन्होंने बहुत अच्छी एफर्ट की और ज़बरदस्त किस्म की इसको कानूनी पहलुओं से, दूसरे पहलुओं से, जहाँ जहाँ पे जिस तरह के सोर्सेज इस्तेमाल होते थे इसको करके ये केस को तकमील तक पहुँचाया और पाकिस्तान को 25% हिस्सा और बढ़ा दिया, यानी कि ये कितना हो गया, 50%। अब ये देखें जो छोटी सी बात, मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ। असल चीज़ ये है कि ये जो मादा अब मैच्योर होने जा रहा है फरवरी की डेट में, यानी कि फरवरी 2022, ये जा रहा है जनवरी 2022, आगे फरवरी 2022, बिल्कुल रिसेंट इसमें ये मादे पे एग्रीमेंट होना है, साइन बकायदा, हर चीज़ फुलफिलमेंट हो जानी है, और पाकिस्तान जो है वो 50% इस इनकम का हिस्सेदार हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये देखिए, मैंने आपको रेकोडिक का बताया, उसका बताया सेंडिक का, उसमें से छोटी सी कान है और कितना यानी कि गोल्ड निकल रहा है साल की प्रोडक्शन में, 11 किलोग्राम गोल्ड और एंड अदर मैटर्स। और उसके बाद 2019 में देखें इसकी जो ग्रोथ है वो आगे आगे कितनी हो गई, 14 किलोग्राम और अदर मेटल्स। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कान है, रेकोडिक में इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी कान है, और इसमें बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ज़खायर। और ये कंपनी अपना और सिंगल कंपनी रह गई है, इसमें अब कोई इसके साथ कंपनी नहीं है, और ये अकेली बहुत बड़ी लेटेस्ट मशीनरी के साथ 24 घंटे काम करेगी, और इसमें से छुपा हुआ ख़जाना जो है, छुपा हुआ गोल्ड सब कुछ निकालेगी, और इसकी जो परसेंटेज बनती है उस हिसाब से करेगी। तो दोस्तों ये एक पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ा मौका है कि अपने बैरूनी अंदरूनी तमाम कर्जे उतार दे, उसके बाद इन कर्ज़ों को उतारने के बाद पाकिस्तान में ऐसी प्रोग्रेस लाए, ऐसे पैसा खर्च करे कि पाकिस्तान जो है दुनिया में उभरता हुआ मुईशत भी उभरे और ऊपर आए। और ये इंशाल्लाह ताला ऐसे होगा, क्योंकि हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान को इतना पैसा मिलने जा रहा है, और इसके असरात पाकिस्तान पे आएंगे, खुशहाली भी होगी, और आपकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी चमकेगी। और एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि कंपनीज के जितने लॉन्स वगैरह हैं इनमें से इनको भी रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि जितनी कंपनीज हैं इनको ये कहा जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माल तैयार करें और एक्सपोर्ट भी करें और अपने मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी करें, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता लग चुका है कि जब तक हमारी मईशत नहीं चलेगी, हमारा पहिया नहीं चलेगा, चाहे इस तरह के हज़ारों भी हमारे पास खजाने आ जाए। तो ये इस वक्त नादर मौका है हमारी इंडस्ट्री को चलाने का, मईशत को चलाने का, और मुल्क का पहिया रवा दवा करने का। तो दोस्तों ये थी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की है। दुआ करें आप भी कि अल्लाह पाक इस सारे मामले को अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से तय पा जाए, और हमारी गवर्नमेंट को ये सलाहियत अल्लाह पाक उनके जहनों में ये डाल दे कि आपने इस मुल्क की तकदीर को बदलना है। देखें मौत हर एक को आनी है, तो ये वो सोचें कि ज़िंदगी में हम एक दफ़ा मुल्क की तकदीर को बदल जाएं और मुल्क की मईशत को बदल जाएं, तो हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखरत भी सवर जाएगी। तो दोस्तों आज आपका थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका मोहसिन आमिर शहज़ाद। अल्लाह हाफिज़।
नाजरीन आप देख रहे हैं हमारा चैनल होटोकॉन PSX और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मौसूल हो सके। तो यकीन करें हर एक वीडियो के पीछे बहुत सारा हार्डवर्क और बहुत सारी मेहनत होती है। पहले अपना कीमती वक्त काफी सारा जाया करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेंट इकट्ठा किया जाता है, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एडिटिंग वगैरह करके वीडियो में कन्वर्ट करके आपके लिए अपलोड किया जाता है ताकि आप मार्केट की करंट सिचुएशन और तमाम जो मार्केट की न्यूज है उसे अपडेट रह सकें। तो ये आपसे बस एक छोटी सी दरख्वास्त होती है कि सब्सक्राइब कर दे चैनल में। सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता बल्कि उल्टा इसमें आपका ही फायदा है। तो वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो है मैं छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके बारे में आज की हमारी वीडियो थी। रेकोडिक कान रेकोडिक जो गोल्ड मिल है उसके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर क्या असरात पड़ेंगे, के जो रेकोडिक कान है उसके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है और इसके बारे में अपनी राय हमसे शेयर जरूर करनी है। तो खुश रहें, खुश रखें, खुशियां बांटें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।